दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हेतु उसके पाठ्यक्रम से पिछले वीडियो में हमने चंद वर्दयीकृत पृथ्वीराज राष्ट्रों के 20वें समय अथवा समयोग पद्मावती समयोग के कथानक की चर्चा की थी। आइए पद्मावती समयोग का विस्तृत विवेचन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पूरब दिश गढ़ गढ़नपति समुद्र शिशर अति दुग्ग तहस विजय सुर राजपति जादू कुल अभंग। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में पद्मावती के पिता राजा विजयपाल के समुद्र शिखर दुर्ग का विशेष वर्णन किया गया है। चंद्रवरदाई विजयपाल के किले का वर्णन करता हुआ कहता है कि पूरब दिशी गढ़ गढ़नपति, पूर्व दिशा में गढ़ों का स्वामी गढ़नपति अर्थात दुर्गों का स्वामी दुर्गों का राजा कौन सा, समुद्र शिखर अति दुग्ग। समुद्र शिखर नामक एक अत्यंत विशाल दुग्ग है अर्थात दुर्ग है। तह सुविजय सुर राजपति जादू कुल है अभंग, जादू कुल है अर्थात यादव वंश का, यादव कुल का, और सुर राजपति देवों का स्वामी इंद्र के समान जो प्रतापी है वह विजयपाल नामक राजा वहां पर राज्य करता है। आगे कभी कहते हैं कि हसम हयज्ञ देश गति पति सायर मृज्जाद प्रबल भूप से वहीं सकल धुन निशान बहुसाद। अगले दोहे में विजयपाल के राज्य का वर्णन करते हुए उसके वैभव का वर्णन किया जा रहा है। चंद्रवरदाई कहते हैं कि उस राजा के देश में अर्थात विजयपाल के देश में विशाल सेना थी। हसम हयज्ञ देश गति, हसम अर्थात सेना, हयज्ञ अर्थात हाथी घोड़े, पति सायर मृज्जाद, सायर अर्थात सागर और मृज्जाद अर्थात मर्यादा, प्रबल भूप से वहीं सकल धुनि निषाद बहुसाद। धुनि अर्थात ध्वनि, निशान अर्थात नगाड़ा और साद अर्थात शब्द। चंद्रवरदाई कहते हैं कि विजयपाल के देश में, विजयपाल के राज्य में एक विशाल सेना थी जिसमें अगणित हाथी घोड़े थे अर्थात उसके राज्य में विशाल हाथी और घोड़ों की सेना विद्यमान थी और वह सागर तक थी अर्थात वह सागर तक समुद्र तक पृथ्वी का स्वामी था अर्थात यह कहा जा सकता है कि उसकी कीर्ति समुद्र तक समूची पृथ्वी पर फैली हुई थी। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा प्रबल भूप से वहीं सकल, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा उसके अधीन थे और उसकी सेना में रत रहते थे और उसकी सेना के द्वारा जब नगाड़े बजाए जाते थे ध्वनि निशान बहुसा तो उसकी भयंकर ध्वनि सभी दिशाओं में अर्थात धरती से अंबर तक फैल जाती थी। मित्रों, प्रस्तुत दोहों में प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। गढ़ गढ़न और हसम हयज्ञ में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, दोहा छंद है और वीर रस का सुंदर यहां पर प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि धुनि निशान बहुसाद नाद सुर पंच बजत दीन 10,000 हय चढ़त हेम नग जटित साज तीन, गज असंश गजपति मुहर सेना दिए संसह एक नायक कर धरी पिनाक धर भर रजरस्य है, 10 पुत्र पुत्रिय एक सम रथ सुरंग अमर डमर भंडार लचिय अगणित पदम तो पदम सेन कुंवर सुधर। प्रस्तुत पंक्तियों में राजा विजयपाल की सैन्य शक्ति, धन संपत्ति और उसके परिवार का वर्णन किया गया है। ध्वनि अर्थात आवाज, निशान अर्थात नगाड़े, नाद अर्थात घोष, सुरपंच अर्थात पंचम स्वर में, हय घोड़े, हेम अर्थात सोना, नग हीरे, साज अर्थात सजावट या वस्त्र, तिन उसका, अशंश अर्थात असंख्य, मुहर सेना अर्थात सेना के अग्रभाग को मुहर कहा जाता है अर्थात हरावल दस्ता,
अर्थात तीन, संशय अर्थात शंख, एक नायक करधरी, करधरी अर्थात हाथ में धारण करना, पिनाक अर्थात शिव का धनुष, धर भर अर्थात धरती का पालन पोषण, रज अर्थात राज, रश्य है अर्थात रक्षा करना, सुरंग अर्थात सुंदर, अंबर अर्थात वस्त्र या अंबर, मंडार लचीय अग्नित पदम, पदम अर्थात सौरभ रुपए, कुंवर अर्थात राजा, सुघर अर्थात सुंदर। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रवर्धन कहता है कि धुनि निशान बहु साध नाद सुर पंच बजत दिन, 10,000 है चढ़त हेम नग चटित साज तिन। चंद्रवर्धन कहते हैं कि राजा विजयपाल के समुद्र शिखर दुर्ग में जब नगाड़े बजते थे तब उनका भयंकर नाद सभी दिशाओं में गूंजता था। धुनि निशान बहु साध नाद सुर पंच बजत दिन, और कैसे गूंजता था कि वहां पर पंचम स्वर में भेरी नाद होता रहता था, रणभेरी बजती रहती थी। और राजा की सेना का वर्णन करते हुए कहता है कवि कि 10,000 है चढ़त, उसकी सेना में 10,000 अश्वारोही सैनिक थे जिनके वस्त्रों का वर्णन कर रहा है कवि कि हेम नग जटित साज तिन, उनके वस्त्र हीरे मोतियों से जड़े हुए रहते थे। राजा की सेना में हाथियों की संख्या बताते हुए कवि कहता है कि गज अशंस गजपति, उसकी सेना में असंख्य हाथी थे और वे जो योद्धा उस गज सेना के थे वे हाथियों पर सवार होकर सेना की अग्रिम पंक्ति बनाते थे, मुहर सेना ये संशय है। और उनकी संख्या भी बताई है, ये संशय अर्थात तीन शंख थी, अर्थात घुड़सवार सैनिकों की संख्या से गज सेना के सैनिकों की संख्या तीन गुनी थी। विजयपाल एक शक्तिशाली नायक था, एक नायक करधरी पिनाक धरभर रज रश्य है, उसके हाथ में शिवजी के धनुष के समान एक धनुष रहता था और जिसके बल पर वह संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को अपने नियंत्रण में रखता था, अपने वश में रखता था। 10 पुत्र पुत्री एक सम रथ सुरंग अमर डमर, उसके एक समान गुणवान 10 पुत्र और पुत्रियां थे। रथ सुरंग अमर डमर, राजा के रथ की तो ध्वजा थी, जब रथ चला करते थे तब वे आकाश में फहराया करती थी। भंडार लची अग्नित पदम, उसके कोष में अनगिनत पदम धन भरा हुआ था, और वह तो पद्मसेन कुंवर सुघर, वह पद्मसेन नाम की एक स्त्री का पति था। मित्र प्रस्तुत पद में राजा विजयपाल की अश्व सेना, उसकी गज सेना और रथ का चमत्कारिक वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाले संख्यावाची शब्द यथा शंख और पद्म का प्रयोग किया गया है जो राजा के वैभव को चित्रित करता है। राजा की संतान और पत्नी का उल्लेख किया गया है। पूरे पद को पढ़कर ऐसा लगता है कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली का प्रयोग है, रज रश्य है और पुत्र पुत्री में छिकानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पद्मसेन कुंवर सुघर ताघर नारी सुजान, ताउर एक पुत्री प्रकट मनहु कला सस्सीभान। अगले दोहे में कवि ने राजा विजयपाल की पत्नी के अर्थात उसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न पद्मावती के बारे में सूचित किया है। कवि कहता है कि पद्मसेन कुंवर सुघर ताघर नारी सुजान, कि उस महाप्रतापी राजा के घर में पद्मसेन नाम की एक चतुर रानी थी और उस रानी के गर्भ से ताऊर एक पुत्री प्रकट मनहु कला सशिभान, चंद्रमा की कलाओं के समान सुंदर एक पुत्री उत्पन्न हुई। कहने का तात्पर्य है कि रानी के गर्भ से उत्पन्न जो पुत्री थी वह चंद्रमा की कलाओं के समान सुंदर लग रही थी, वह चंद्रमा के समान प्रतिदिन रूप सौंदर्य में अद्वितीय होती जा रही थी। मित्रों, सशिभान शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो शशि धन भान अर्थात चंद्रमा और सूर्य, लेकिन यदि इस दृष्टि से इसका अर्थ किया जाए तब
यह कहा जा सकता है कि जो पुत्री उसके उत्पन्न हुई पद्मसेन के, वह चंद्रमा के समान सुंदर और सूर्य के समान तेजस्वी थी। पुत्री प्रकट, छेक अनुप्रास अलंकार, मनहु कला शशिभान, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा छंद, प्रसाद और ओज गुण युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। अगले पद में जो कि छप्पे है, कवि कहता है मनहु कला शशिभान, कला 1600 बन्नीय, बाल वैश ससिता समीप अमृत रस पिन्नीय, विगस कमल मृग भ्रमर वैन छंजन मृग लुट्टीय, कीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश ही घुट्टीय, कपति गयंद हरिहंस गति विह बनाए संचे सचिय, पद्मनीय रूप पद्मावतीय, मनहु काम कामिनी रचिय। मनहु अर्थात मानो, शशिभान चंद्रमा के समान, कला 1600 बन्नीय अर्थात 16 कलाओं से बनी हुई, बालवेश अर्थात बाल्यावस्था, शशि अर्थात चांद, अमृत अर्थात अमृत, पिन्नीय पी रहा हो, तिगसी अर्थात विकसित होना, मृग हिरण, पैन वाणी, खंजन खंजन पक्षी, लुट्टीय लूट लिया हो, हीर कीर अर्थात तोता, बिंब बिंबाफल, नश शिश अर्थात नक्षिख, अहिघुट्टीय अर्थात अभिघटित या बनाया गया है, छपति अर्थात छिप जाते हैं, गयंद हाथी, हरि अर्थात सिंह, गति अर्थात चाल, विह अर्थात विधाता, संचय अर्थात सांचा, सचिय अर्थात शची जो कि इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, पद्मिनीय पद्मिनी का, काम कामिनी अर्थात कामदेव की पत्नी अर्थात रति, रचिय अर्थात बनाया गया। मित्रों प्रस्तुत संद में चंद्रवरदाई अनेक उपमानों के द्वारा पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और उसके नक्षिक का वर्णन कर रहा है। चंद्रवरदाई कहता है मनहु कला शशिभान, कला 1600 बन्नीय, कि उस विजयपाल की और पद्मसेन की पुत्री को देखकर लगता है मानो वह चंद्रमा की कलाओं से बनी हुई है, चंद्रमा की 16 कलाओं के द्वारा उसे बनाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि वह चंद्रमा के समान सुंदर है। बाल वैश ससिता समीप, अभी तो वह बाल्यावस्था में ही है लेकिन उसके अद्वितीय सौंदर्य को देखकर, उसके अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि ससिता समीप अमृत रस पिन्ने, कि मानो चंद्रमा उसके पास आकर उसके सौंदर्य रूपी अमृत का पान कर रहा है, उसके सौंदर्य रूपी अमृत को पी रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका सौंदर्य चंद्रमा के समान मन और आंखों को सुख और शांति देने वाला है। उसके नक्षिक का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि विगसी कमल मृग भमर पैन संजन मृग लुट्टीय, कि उसके मुख नेत्र हाथ और चरण आदि इन सुंदर अंगों ने विकसित कमल भ्रमर वेणु और खंजन पक्षी के सौंदर्य को भी लूट लिया है। विगस्य कमल मृग भ्रमर वैन संजन मृग लुट्टीय, इन सबके सौंदर्य को उसके मुख नेत्र हाथ और चरण अर्थात पैरों ने लूट लिया है। कहने का तात्पर्य है कि पद्मावती के शरीर की सुगंध ने कमलों की सुगंध को क्षीण कर दिया है, उसके नेत्रों ने हिरणों की मोटी आंखों को जीत लिया है और उसके लंबे बालों ने भ्रमरों का मान मर्दन कर दिया है, उसके मधुर स्वर की माधुर्य ने वेणु अर्थात वंशी की मधुरता को भी पराजित कर दिया है और नेत्रों की चंचलता ने खंजन पक्षी की चंचलता को भी पराजित कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि पद्मावती के प्रत्येक अंग इतने सुंदर हैं कि उसके समक्ष ये जो सभी उपमान हैं वे सब फीके पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पद्मावती के अंगों ने इन सारे उपमानों की सुंदरता को चुरा लिया है, छीन लिया है और स्वयं अपने ऊपर धारण कर लिया है और जिसके कारण ये सारे उपमान फीके पड़ गए हैं।
पद्मावती अत्यंत सुंदर है। उसके नख से लेकर शिख तक का सौंदर्य जो है वह हीरा शुक बिंब फल और मोतियों के द्वारा निर्मित हुआ है। कवि कहता है हीर कीर अरु बिंब मोती नश शिश ही गुट्टी है, कि उसका गोरा जो वर्ण है वह गोरा रंग हीरे के समान सुशोभित हो रहा है। उसकी नाक को देखकर तोते की चोंच का भ्रम होता है। उसके अधर लाल लाल बिंबा फल के समान सुशोभित होते हैं और उसके हाथ पैरों की अंगुलियों के जो नख हैं वे मोती के समान हैं। कवि आगे पद्मावती की मंद मंथर गति का आकर्षण इन शब्दों में वर्णन करता है। छपति गयंद हरि हंस गति विह बनाए संचे सचीय पद्मिनीय रूप पद्मावती मनम काम कामनी रची। उसकी सुंदर गति को देख करके गयंद हरि और हंस की गति अर्थात हाथी सिंह और हंस ये पराजित होकर छिप जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जो गति है उसकी जो चाल है उसमें हाथी जैसी मस्ती है सिंह के जैसा गर्व है और हंस के जैसी मंथरता है और इसलिए उसकी गति को देखकर उसकी चाल को देखकर ये तीनों के तीनों लज्जित होकर के छिप जाते हैं। छपति गयंद हरिहंस गति विह बनाए संचे सचिय और ऐसा लगता है कि विधाता ने उसे सांचे में ढालकर बनाया है जिसमें विह बनाए संचे सचिय कि इंद्र की पत्नी शची को जिस सांचे में बनाया था उसी सांचे में विधाता ने पद्मावती को ढालकर बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि पद्मावती का जो शरीर है वो शची के समान सुंदर है और पद्मिनी नारी के समान सुंदर और आकर्षक है। पद्मिनी रूप पद्मावती है और उसके रूप को देखकर ऐसा लगता है पद्मिनी रूप पद्मावती मनहु काम कामिनी रचिए। उसके रूप को देखकर ऐसा लगता है मानो विधाता ने एक दूसरी रति अर्थात कामदेव की पत्नी को बना दिया है। कहने का अभिप्राय है कि पद्मावती जो है वो इंद्र की पत्नी शची और कामदेव की पत्नी रति के समान अद्वितीय सुंदरी है। मित्र प्रस्तुत पद में छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। चंदवरदाई ने अपने इन छंदों को कवित्त के नाम से लिखा है जबकि कवित्त के कोई लक्षण इस छंद में नहीं है अपितु यह छप्पे छंद है। जैसा कि हमने नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित परिवर्तक समयों में देखा था वहां इसकी चर्चा भी की गई थी कि क्यों इसको हम छप्पे छंद मानेंगे। प्रस्तुत छंद में प्रसाद और ओज गुण का प्रयोग किया गया है। मनहु कला सस्यभान और मनहु काम कामिनी रचिये में उत्प्रेक्षा अलंकार बाल बेस हरिहंस छेकानुप्रास अलंकार और संपूर्ण पद में पद्मावती के अद्वितीय सुंदरता को बखानते हुए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है मनहु काम कामिनी रचिये रचिये रूप की रास पयु पंछी सब मोहनी सुर नर मुनियर पास। रास अर्थात राशि अथवा समूह मुनियर अर्थात मुनिवर या श्रेष्ठ मुनि सुर अर्थात देवता पास अर्थात पाश या बंधन। प्रस्तुत छंद में जो कि एक दोहा छंद है पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव की चर्चा चंदवरदाई के द्वारा की गई है। चंदवरदाई कहते हैं कि मनहु काम कामिनी रचिये रचिये रूप की रास पयु पंछी सब मोहिनी सुर नर मुनि अर पास। कि पद्मावती का रूप देख करके ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने रूप की राशि कामदेव की पत्नी रति को अपने समक्ष रख करके फिर से पद्मावती की रचना की है। तात्पर्य यह है कि पद्मावती रति के समान परम सुंदरी है। ऐसा लगता है मानो विधाता ने पद्मावती के रूप में एक और रति का निर्माण कर दिया है। उसका रूप सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह पशु पक्षियों को भी मोहित कर लेता है। पयु पंछी सब मोहनी पशु पक्षियों को भी मोहित कर लेता है उसका रूप। और पशु पक्षियों की तो क्या चर्चा करें, देवता सुर नर मुनियर पास देवता मनुष्य और श्रेष्ठ मुनि भी उसके सौंदर्य के जाल में बंध जाते हैं पाश में बंध जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब के सब उसके रूप सौंदर्य के फंदे में पड़कर
आसक्त हो जाते हैं और इस प्रकार पद्मावती के रूप का वर्णन किया गया है, उसके परम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत छंद में श्रृंगार रस, दोह छंद, डिंगल और पिंगल मिश्रित भाषा, माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। मनो काम कामिनी रचिय में उत्प्रेक्षा अलंकार रचिय रूप और पशु पंछी में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में जो कि पुनः दोहा छंद है, कवि कहता है, सामुद्रिक लक्षण सकल चौसठ कला सुजान, जाने चतुर्दश अंग सट प्रति बसंत परमान। सामुद्रिक लक्षण अर्थात सामुद्रिक एक विशेष प्रकार का शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य के अंगों की बनावट के आधार पर उसके भविष्य का कथन किया जाता है। सामुद्रिक शास्त्र लक्षण अर्थात लक्षण, चौसठ कला अर्थात चौसठ कलाएं, सुजान अर्थात निपुण या चतुर, जानी जानती है, चतुर दस चौदह विद्याओं के लिए आया है, अंगषट वेदों के छह अंगों के लिए आया है जिसे षट दर्शन कहा जाता है, प्रति बसंत परमान, परमान अर्थात प्रमाण। मित्रों, राजकुमारी पद्मावती के सामुद्रिक गुणों की चर्चा करते हुए चंद्रवरदाई कहते हैं कि सामुद्रिक लक्षण सकल कि पद्मावती के शारीरिक सौंदर्य में उसके शारीरिक अंगों में सभी सामुद्रिक लक्षण विद्यमान है। चौसठ कला सुजान, वह चौसठ कलाओं की ज्ञाता है, वह उनमें पारंगत है अर्थात कुशल है, और साथ ही साथ जान चतुर्दश अंग षट वह चौदह विद्याओं की ज्ञाता है, और जो छह वेदांग अथवा षट दर्शन है उसकी भी वह ज्ञाता है, और रति बसंत परमान अर्थात वह रति के समान सुंदर है और बसंत के समान पूर्ण यौवना है। कहने का तात्पर्य है कि वह राजकुमारी सभी विद्याओं वेद वेदांगों और सभी दर्शनों का ज्ञान रखती थी, उनमें पारंगत थी, वह रति के समान सुंदरी थी, बसंत के समान पूर्ण यौवना थी, अर्थात जिस प्रकार बसंत के आगमन से चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य खिल जाता है, उसी प्रकार यौवन के आगमन से पद्मावती के सभी अंग सौंदर्य के कारण सुशोभित हो रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में वेदों के छह अंगों की चर्चा की गई है। ये छह अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रिक्ता, ज्योतिष और छंद। छठ दर्शन की यदि बात की जाए तो सांख्य, योग, न्यास, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये षट दर्शन है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद और ओज गुण से युक्त शैली और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है कि शशियन संग खेलत फिरत महलनी बाग निवास, हीर इक दिश्य नयन तब मन भयो उलास। शशियन अर्थात सखियां, महलनी बाग निवास अर्थात उद्यान का महल, हीर अर्थात तोता, दिश्य अर्थात दिखाई दिया, उलास अर्थात प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। कवि कहता है कि पद्मावती अपने सखियों के साथ अपने महल के उद्यान में खेल रही थी। शशियन संग खेलत फिरत महलनी बाग निवास, तभी हीर एक दिश्य नयन उसे एक तोता दिखाई दिया, और जिसे देखकर तब मन भयो उलास अर्थात उसका मन प्रसन्नता से भर गया, वह आनंदित हो गई। प्रस्तुत छंद में शशियन संग में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है मन अति भयो उलास विगत जन कोक किरण रवि, अरुण अधरती सुधर बिंब फल जान कीर छवि, इह चाहत चशचकित उहज तक्कीय झरपि झर, चंच चहुट्टिय लोभ लियो तब गहित अपकर, हर्षत आनंद मन मही हुलस ले जो महल भीतर गई, पंजर अनूप नगमणि जटित तो तिहिमह रसत भई। विगसी अर्थात विकसित हुआ अर्थात खिला हुआ, उलास अर्थात प्रसन्न, जनु अर्थात मानो, कोक अर्थात चकवा पक्षी, अरुण अर्थात लाल, अधर अर्थात नीचे का होठ, ती अर्थात
सुंदर स्त्री सुंदर नारी, सुधर अर्थात ऊपर का होंठ, बिंबफल अर्थात बिंबाफल जो कि लाल रंग का एक विशेष फल होता है, ईर अर्थात तोता, छवि अर्थात शोभा, चश चक्षु अर्थात आंख, उह उसने, तकिए ताक कर अथवा देखकर, झरप्पी झपट्टा मारकर, झर अर्थात तत्काल, चंच अर्थात चोंच, चहुट्टी अर्थात चिपक गया, गहित अर्थात पकड़ लिया, अप अर्थात अपने, कर अर्थात हाथ, हर्षद प्रसन्न होना, आनंद आनंद, मनमही अर्थात मन में, तीमह अर्थात उसमें, रसत भय अर्थात रख लिया। मित्रों प्रस्तुत छंद में छंद प्रदायी कहता है कि मन अति भयो हुलास बिगत चन कोक किरण रवि। उस तोते को देखकर पद्मावती का मन अत्यधिक आनंदित हो गया, इस प्रकार आनंदित हुआ, इस प्रकार प्रफुल्लित हुआ कि जिस प्रकार सूर्य की प्रथम किरण को देखकर चकवा पक्षी आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार पद्मावती उस तोते को देख करके आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। अरुण अधर तीय सुधर बिंब फल जानी कीर छवि। और इधर तो पद्मावती उस तोते को देखकर प्रसन्न हो रही थी, और उधर उस तोते ने उस पद्मावती के ऊपर और नीचे के लाल लाल रंग के दोनों होठों को लाल, उनके लाल रंग के कारण बिंबा फल समझ लिया। अरुण अधर तीय सुधर बिंब फल जान कीर। और बिंबफल समझकर उस पर वह तोता लुभा गया। यह चाहत चकित। इधर पद्मावती आश्चर्यचकित नेत्रों से उस तोते को देख रही थी, और उधर बिंबफल खाने के लालच में वह तोता पद्मावती के लाल होठों पर झपट्टा मारता है। वह जो तकिए झरप पिझर और चंच चहुट्टी लोभ लियो तब गहित अप कर। और जब उसने पद्मावती के लाल होठों पर झपट्टा मारा और अपनी चोंच से उन्हें पकड़कर चिपक गया, और तब पद्मावती अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस तोते को पकड़ लेती है। हर्षत आनंद मन मही खुलस ले जो महल भीतर गई। और उस तोते को पकड़कर वह बहुत प्रसन्न होती है, बहुत आनंदित होती है, और प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने महल के अंदर ले जाती है। और महल में पंजर अनूप नगमन जटित सोती ही मह रसत भई। महल में उस तोते को पद्मावती ने एक रत्न और मणियों से जड़े हुए सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। मित्रों प्रस्तुत पद में पद्मावती की गतिविधियों का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत छंद में विगसी जनु कोक किरण रवि, इसका एक और अर्थ निकाला जा सकता है। कोक कमल को भी कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रथम किरण को देख करके अर्थात उसका स्पर्श पा करके कमल खिल जाता है, उसी प्रकार पद्मावती उस तोते को देखकर प्रसन्न हो जाती है। और जो पहले अर्थ हमने बताया था, कोक अर्थात चकवा पक्षी, चकवा और चकवी ये रात हो जाने पर अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है चकवे के मन में चकवी से पुनः मिलन की आशा जाग जाती है, और उससे उसका मन जो है वो उत्साहित हो जाता है, वह आनंदित हो जाता है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि तोते को देखकर पद्मावती का मन भी चकवे के समान प्रफुल्लित हो गया। मित्रों प्रस्तुत छंद में अधरों को बिंबा फल कहने के द्वारा और तोते के द्वारा उन अधरों पर झपटने के माध्यम से छंद बरदाई ने नक्षिक श्रृंगार का वर्णन किया है। कवित्त अर्थात छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। प्रसाद और ओजगुण है। अरुण अधर झरप पिझर चंच चहुट्टी और मन मही में छेकानुप्रास अलंकार, जबकि चाहत चश चकित में वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। शेष छंदों की व्याख्या हम अगले वीडियोज में करेंगे। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना
अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।